जब हम नया बेबी लेके आते हैं, हमें समझ में नहीं आती, हमें पता नहीं होता हमें इसे क्या करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए। हम सोचते हैं हम अपने डॉग को बाहर नहीं लेके जा रहे, बट फिर भी उसको टिक्स आ जा रहे हैं। और वो टिक्स कहाँ से आ जाते हैं? बहुत सारे लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि शायद डॉग की बॉडी के अंदर से टिक्स निकलना शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, हमें समझ नहीं आता कि टिक्स है कहाँ पे। अब ये देखिए, ये टिक लगा हुआ है, ये टिक है लगा हुआ। अब इसको जो रिमूव करना है वो कैसे करना है? ये जो टिक लगा हुआ है, बेबी को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। डियर फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है ये हर उस इंसान के लिए है जो नया डॉग घर लेके आता है। आज का वीडियो हर उस इंसान के लिए है जिसके पास में कोई भी डॉग ब्रीड है, जो पेट लवर है और अपने पेट्स के टिक्स को लेके परेशान है। हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड, योर होस्ट बादल भंडारी, एंड आई वेलकम यू इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल, दैट इज डॉग्स योर फ्रेंड्स फॉरएवर। डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, आपके टाइम के लिए, जो आप टाइम स्पेयर करते हैं हमारे साथ में वीडियोस देखने के लिए, उस सब चीज़ के लिए। मैं पिछले 24 साल से डॉग्स ब्रीड कर रहा हूं और मैं डॉग्स के लिए बिहेवियरिस्ट हूं। आज मेरे साथ में बहुत ही प्यारा सा जर्मन शेफर्ड बेबी है, लॉन्ग कोटेड है, बहुत हैवी बेबी है। ये नए घर जाने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है, 40 डेज प्लस हो गया है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये कि आज ये भाई साहब मेरे साथ में वीडियो में मेरा साथ देने वाले हैं, क्योंकि हम आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और वो टॉपिक जो है वो हर उस दोस्त के लिए, हर उस फैमिली के लिए, हर उस फैमिली मेंबर के लिए बादल भंडारी की, जिन्होंने डॉग रखा है, जिनके पास में ऑलरेडी डॉग है, या जो लोग नया डॉग लाए हैं, या जो लोग नया डॉग लाना चाहते हैं। प्रॉब्लम है टिक्स की और उससे कैसे बचा जा सकता है, आज हम इस टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल का बटन ज़रूर ऑन रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे, बेहतर से बेहतर लेटेस्ट वीडियो हम डालते रहें, आप किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अपने पेट से रिलेटेड वीडियो को मिस ना करें। जब हम नया बेबी लेके आते हैं, हमें समझ में नहीं आती, हमें पता नहीं होता हमें इसे क्या करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए। हम सोचते हैं हम अपने डॉग को बाहर नहीं लेके जा रहे, बट फिर भी उसको टिक्स आ जा रहे हैं। और वो टिक्स कहाँ से आ जाते हैं? हम उसे डॉग को बाहर नहीं लेके जा रहे। बहुत सारे लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि शायद डॉग की बॉडी के अंदर से टिक्स निकलना शुरू हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो टिक्स हैं वो हमेशा बाहर से आते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स से आते हैं। जैसे हम बाहर जाते हैं, हम घूमते हैं पूरी दुनिया में, घूम फिर के जब वापस आते हैं हमारे शूज़ के साथ में डस्ट लगी होती है। अक्सर हम आके फुट मैट पे शूज़ रब करते हैं और हम उसे उतार के उसके शू रैक में रख देते हैं। लेकिन बहुत बारी ऐसा होता है कि हम अपने शूज़ को रूम में कहीं भी रहने देते हैं, जो हमने शूज़ को रब किया फुट मैट पे, वहाँ पे भी डस्ट आई। डस्ट आने से टिक्स जो है वो डेफिनेटली आएंगे। टिक्स जो है वो ऐसा नहीं है कि टिक्स एज इट इज़ बाहर से आ रहे हैं, टिक्स की सिर्फ सेल आ रहे हैं बाहर से, धूल में छुप के आ रहे हैं। और उसको जब वो धूल में छुपे हुए हैं, वो डॉग की बॉडी पे लगते हैं। जब डॉग हमारे शूज़ के साथ खेलता है, डॉग फर्श पे बैठता है, डॉग फुट मैट पे बैठता है, उसको टिक्स की जो वो जो डस्ट है वो लगती है। जो उसके सेल हैं डॉग की बॉडी में, उसके बालों के साथ में मिक्स हो जाते हैं। डॉग की जो बॉडी है वो एक ऐसी अप्रोप्रिएट हीट और रेज छोड़ती है जिससे वो जो टिक्स हैं वो ऑटोमेटिकली हैच हो जाते हैं। हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, हमें समझ नहीं आता कि टिक्स है कहाँ पे। हम नॉर्मली बॉडी में अच्छे से हाथ फेरते हैं, हमें कभी क्लियर होता है, कभी क्लियर नहीं होता। आज मैं पूरे पूरे वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको टिक्स कहाँ मिलेंगे, डॉग को टिक्स कहाँ चेक करने हैं, क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ताकि हमारे जो पेट हैं वो टिक फ्री रहें। अगर पेट्स को टिक होंगे, टिक्स का वायरस आएगा ब्लड में, ब्लड सूखना शुरू हो जाएगा, प्लेटलेट्स डाउन होना शुरू हो जाएंगे, दैट कैन लीड टू टिक फीवर, दैट कैन लीड टू हाइंड लेग्स प्रॉब्लम, दैट कैन लीड टू पैरालाइज, इवन उसकी आई साइड भी जा सकती है, उसकी आई साइड जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, आईज जो है ब्लू होना शुरू हो जाएंगी। रीज़न, उसकी बॉडी का ब्लड कम होना शुरू हो जाएगा। ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स का जो रीज़न है वो टिक्स हैं, और टिक्स का सलूशन ढूंढते हैं। अब जैसे ये जो छोटा सा बच्चा है, इसके देखेंगे, मैंने ब्लैक कलर का इसलिए रखा है ताकि अक्सर ढूंढने में प्रॉब्लम ब्लैक कलर के डॉग्स में आती है। आप इसमें देखेंगे, इसको देख रहे हैं, इसको हम खोल रहे हैं, ये देखिए, ये मुझे इसको मैंने आज हमने ब्रशिंग नहीं करवाई थी पेट को,
इसके यहाँ पे ये टिक का निशान है हल्का सा, इससे कुछ नहीं होगा। सेवलॉन का एक डॉट डाल के आप उसे क्लीन कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए, ये टिक लगा हुआ है, ये टिक है लगा हुआ। अब इसको जो रिमूव करना है वो कैसे करना है? ये जो टिक लगा हुआ है, बेबी को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, ओके मेरा बच्चा, ओके मेरा बच्चा, इसको सिंपली पकड़िए हाथ से और खींच लीजिए। खींच के इसको फर्श पे रख दीजिए। ये देखिए, ये चलना शुरू हो गया, ये चलना शुरू हो गया। अगर आप इसे एज इट इज़ छोड़ देंगे तो ये कहीं भी फिर से छुप जाएगा, डॉग को फिर से चढ़ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये डॉग का जो ब्रश है उससे इसे मार रहा हूँ, और इसको मारना ही एकमात्र सोल्यूशन है। आप, मैंने तो ये इसलिए रख लिया कि मैं ऑफिस में था। ये देखिए, मार दिया टिक को। फ्रेंड्स, जो टिक्स हैं, टिक्स को निकालने के बाद में उसको मारने के लिए आप फोर्सेप यूज़ कर सकते हैं, या आप उसको मारने के लिए छोटा सा कोई स्टोन उठा के, रोड से स्टोन उठाइए, अपने घर पे ले आइए, फर्श पे रख के टिक को छोड़ा और उसके ऊपर स्टोन से हल्का सा प्रेशर किया और वो टिक मर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि टिक हमें बाइट कर रहे हैं या कुछ भी है, उसकी बाइट बहुत पेनफुल होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ऑफ कोर्स डॉग के लिए वो प्रॉब्लम वाले रहेंगे। अभी देखिए, इस बच्चे का इस ईयर को चेक कर रहा हूँ मैं, इस ईयर में कोई टिक नहीं है, ये पूरा ईयर जो है वो क्लीन है। लेकिन टिक्स ईयर के पीछे यहाँ पे एक पॉकेट होती है, छोटी सी पॉकेट जैसी होती है, यहाँ पे अक्सर टिक्स छुपे होते हैं। ये देखिए, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस पॉकेट, यहाँ पे अक्सर टिक्स छुपे होते हैं, ये ईयर के यहाँ पे इस पार्ट में टिक छुपे हो सकते हैं, राइट। देन फ्रंट फिंगर्स चेक कीजिए, पाँव की फ्रंट फिंगर्स चेक कीजिए, खोल के इस तरह से चेक कीजिए, सॉफ्टली बच्चे को गोदी में बिठा लीजिए, उसकी पाँव के नीचे वाले हिस्से को चेक कीजिए। बच्चे को हमने लैप में उल्टा रख लिया, पोच या गुद बीता है, इसके पाँव की फिंगर्स को चेक कीजिए इस तरह से, यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ कोई टिक तो नहीं है। देन इसके लिए एक और चीज़ हम देखेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे, हम आपको नहीं मारेंगे, हम नहीं मारेंगे आपको, इच्छे खुजली खुजली करेंगे, खुजली खुजली करेंगे। अब ये जो अंडर आर्म है, आप ये देखिए, यहाँ पे टिक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये बेबी के टिक्स बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होंगे। रीज़न ये कि हमारी पर्सनल केयर में है बच्चा ये, और इसको डेली ब्रशिंग होती है। फिर इसके अलावा ये बैक एरिया जो है, यहाँ पे आपको टिक्स देखने हैं, यहाँ पे टिक्स देखने हैं। हाथ फेर के देखिए, कहीं पे भी कुछ अनइवन सा फील होता है, जस्ट चेक इट आउट। उस जगह से बाल को हटाइए, मान लीजिए ये जगह, बाल को हटाइए, अगर यहाँ टिक होगा तो वो आपको दिख जाएगा। अगर डॉग आपका कहीं किसी पर्टिकुलर जगह पे इचिंग कर रहा है बार बार, तो वहाँ पे भी टिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब इसकी हाइंड लेग्स जो हैं, उसमें देखिए, फिंगर्स में देखिए, राइट, इसकी फिंगर्स चेक कर ली हमने, पीछे वाली फिंगर्स को चेक कीजिए, ये सब चीज़ जगह हमने चेक कर लिया। इस जगह पे अक्सर टिक्स होते हैं, फिंगर्स के इस पॉइंट में अक्सर टिक्स छुप जाते हैं, ये जो ये पर्टिकुलर फ्रंट पॉइंट जो है, यहाँ टिक्स छुप जाते हैं, स्टूल पॉइंट के आसपास। मैं पॉइंट सारे के सारे पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूँ, ये देखिए एक और पॉइंट देखिए, ये देखिए बम्पू के पास उसके टिक लगा हुआ, देख सकते हैं आप, वीडियो में लिया आपने। अब ये जो है, ये एक ऐसा पार्ट है जो हम अक्सर छोड़ देते हैं, हम अक्सर छोड़ देते हैं कि बम्पू कौन चेक करेगा, उसके पॉटी वाली जगह कौन चेक करेगा, लेकिन ऑफ कोर्स वी आर पेरेंट्स, वी हैव टू चेक इट। ये देखिए, मैंने उतार दिया टिक और ये अगेन जिंदा है, ये देखिए चल पड़ा, ये हो रही, इसको अगेन इसको मार दिया हमने। फ्रेंड्स, टिक्स को उतार के फेंकना सोल्यूशन नहीं है, टिक्स को मारना सोल्यूशन है। उसके अलावा जो सोल्यूशन है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दिस इज एंटीटिक पाउडर, आप ये ले लीजिए। इसको कैसे यूज़ करना मैं बता रहा हूँ। हल्का हल्का ईयर के पीछे इस तरह से डस्टिंग कर दी, हल्का हल्का, बिल्कुल सॉफ्टली। ईयर के होल में नहीं डालना है पाउडर को, ईयर के होल में पाउडर को नहीं डालना है। हाँ जी, मुझे मालूम है। और यहाँ पे हल्का सा ये डाल दिया, ताकि ऊपर वाले एरिया पे हो गया तो वो डस्टिंग पूरी रहेगी। ये ईयर के नीचे थोड़ा सा कर दिया, और इसी तरह से अंडर आर्म हल्का सा कर दिया, दोनों तरफ टेस्टिकल्स के आसपास कर दिए। ओके, नहीं मार रहे, नहीं मार रहे, हम नहीं मार रहे। पॉटी वाली जगह के पास जहाँ पे हमें टिक मिला था वहाँ पे कर दिया, शोल्डर के, शोल्डर ब्लेड के पास में हल्का सा, यहाँ पे हल्का सा, इस तरह से हल्का हल्का करके। एक और देखिए, अभी एक और टिक मिला मुझे, ये देखिए जिंदा है या डेड है, ये डेड है शायद, नहीं ये भी जिंदा है, ये देखिए। अब बहुत बारी लोग सोचते हैं, ये जब डस्टिंग पाउडर डाला तो वो निकलना शुरू हो गए। फ्रेंड्स, इसको जैसे मैंने पाउडर लगा दिया, पाउडर लगाने के बाद में हमने ब्रश फ्रंट से बैक कर दिया, सॉफ्टली सॉफ्टली, फ्रंट से बैक, बैक से फ्रंट, अगेन फ्रंट टू बैक,
सो दैट जो पाउडर है वो अच्छे से बालों में मिक्स हो जाए, जो बालों में पाउडर मिक्स हो जाए। फोर हेड पे भी मैंने टिक्स एंटीटिक पाउडर डाला है। जो टिक्स हैं वो सिर्फ ऐसे ही नहीं होते जैसे ये देखने में ऑटो जैसा लग रहा था ब्राउन से कलर का, समटाइम्स टिक ऐसे भी होते हैं जो फूल जाते हैं, जैसे आपने किशमिश देखा होगा उस तरह से कई बड़ी डॉग को टिक लगता है और जो फूल जाता है खून चूस लेता है वो भी टिक्स की एक टाइप है। उसके अलावा और भी उस तरह की कोई कई बड़ी होते हैं उड़ने वाले टिक्स होते हैं, उड़ने वाली जुएँ वगैरह, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हो सकती हैं। हमेशा कोशिश करनी है डॉग को जितना नीट एंड क्लीन रखें। अगर हम डॉग को बाहर लेके जाते हैं ऑफकोर्स लेके जाना होता है, आप उसको एंटीटिक कॉलर डाल सकते हैं क्योंकि एंटीटिक कॉलर जो है वो अपने आप में एक शील्ड है। जैसे बाहर जाने से पहले मतलब वो 24 आवर्स डाला रहता है एंटीटिक कॉलर। एंटीटिक कॉलर का बेनिफिट ये रहता है कि अगर हमने डॉग के गले में वो डाल रखा है मेडिकेटेड है और उसकी स्मेल से ही टिक नहीं आएंगे, जो टिक्स के होने के जो चांसेस हैं वो उसको नेल कर देगा। और वो कौन से ब्रांड का हम यूज़ करते हैं वो बहुत मैटर करेगा। जब भी हम कॉलर यूज़ करते हैं इस चीज़ का ख्याल रखिए कि अगर हमने बेबी को नहलाना है तो एंटीटिक कॉलर को उतार लेना, उसे गीला नहीं होने देना। जब बेबी सूख जाए उसे दोबारा बच्चे को वो दोबारा से आप सेम एंटीटिक कॉलर यूज़ कर सकते हैं। 3 to 4 months उसके असर रहता है, उसकी स्मेल रहती है, जिसकी वजह से जो पेट है वो आपका फिट रहता है, टिक फ्री रहता है। एंटीटिक पाउडर यूज़ कर सकते हैं, एंटीटिक शैम्पूज आते हैं अलग अलग वो यूज़ कर सकते हैं। बड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लगाने की छोटे बच्चों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहती। अगर आपका बड़ा डॉग है आप उसके लिए भी करना चाहते हैं, इसी तरह से ही चेक कीजिए, उसको थॉरली चेक कीजिए। आप जितना अपने पेट के क्लोज रहेंगे, आप जितना उसके नियर रहेंगे, आप उतना ही अपने पेट को अच्छे से समझ पाएंगे, उतना ही आप उसे जान पाएंगे। जो प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि डॉग को टिक्स हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम उसे चेक नहीं करते, हम इग्नोर कर देते हैं उसको, उस बात को हम इग्नोर कर देते हैं कि डॉग को टिक्स हैं। तो उसका रिजल्ट क्या आता है? उसका रिजल्ट यही आता है हमारे डॉग के जो टिक्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जो मैंने अंडर आर्म आपको बताया, जो ये फ्रंट में जो अंडर आर्म की अगर मैं बात करूं या ईयर्स के पीछे, आप समटाइम्स देखोगे ना बहुत सारी कॉलोनीज बन जाती हैं टिक्स की। वो जो डस्ट है उससे सेल होंगे, सेल से आगे वो जो टिक्स हैं वो पनपेंगे, 1 से 10, 10 से 100 हो जाएंगे। समटाइम्स आई हैव सीन डॉग्स जिनको 1,000, 1,500, 2,000 टिक्स होना कोई बड़ी बात नहीं है, पूरी बॉडी भरी होती है बेचारों की बेजुबानों की टिक से और वो बोल नहीं सकते हैं, वो बोल नहीं सकते हैं। एक और पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, वो बोल नहीं सकते हैं कि हमें टिक की प्रॉब्लम है, हमें इचिंग हो रही है, हमें तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम फील कर रहे हैं। एक और पॉइंट भी क्लियर करता हूँ, अगर 100 टिक्स हैं उनमें कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है तो आपके डॉग के ब्लड में इन्फेक्शन आने के चांसेस बहुत कम है। ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो लोग कहते हैं कि हमारे डॉग को 1 या 2 टिक्स ही थे। अगर एक सिंगल टिक है और वो इन्फेक्टेड है तो वो डेफिनेटली आपके डॉग के, अगर उसने ब्लड को सक कर लिया, उसने ब्लड के साथ कॉन्टैक्ट बना लिया, तो आपके डॉग को टिक्स की फीवर आना, टिक का वायरल आना, वायरस आना, ये प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी। हमारे बच्चे टिक से बचे रहेंगे अगर हमारे डॉग फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग भी टेंशन फ्री रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि जो टिक्स हैं वो हम उन्हें रिमूव नहीं कर सकते, अगर हम उन्हें टाइम पर चेक कर लेंगे तो वो 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1,000 नहीं होंगे। हम उनको बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं, 100% कंट्रोल हो जाते हैं टिक्स। ये सोच के बिल्कुल नहीं डरना कि टिक्स कंट्रोल नहीं हो सकते, टिक्स 100% कंट्रोल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं मैंने इस वीडियो में पूरे में बताया। आई होप ये जो वीडियो बनाया है टिक्स की प्रॉब्लम के लिए छोटे बच्चों के साथ में, खास करके जो लोग बहुत परेशान होते हैं, समटाइम्स ऐसा भी होता है टिक डॉग की बॉडी से उतर के हमारी लेग पे चढ़ जाता है, समटाइम्स ऐसा भी होता है जो टिक है वो डॉग की बॉडी से उतर के कभी बेड पे चढ़ जाएगा, कभी वॉल पे चढ़ रहा होगा, अक्सर नोटिस करने में आ जाता है। लेकिन उसको देख के घबराना नहीं है, वरी नहीं करना, उसका सोल्यूशन है। राइट, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें, इससे हेल्प ले सकें। साईं दया करेंगे मुझ पे, आप पे, हमारे पेट्स पे, सारी दुनिया पे। लव यू ऑल, थैंक यू। Your rant forever.